राज खत्म होता है, हाँ हमारा राज शुरू होता है। Thank you.
Ready? Okay for you, Akram? Yeah, okay, sir. Break for lunch. Vijay, you're so hot. I find you tempting. ये क्या कर रही हैं आप? आप जौहर साहब की गर्लफ्रेंड हैं। उन्होंने ही मुझे ब्रेक दिया है। Please stop this. Oh Vijay, don't be sissy. Come on यार। समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। इसने मुझे एक प्रोजेक्ट डिस्कस करने के लिए यहाँ बुलाया था इस बहाने से। यू बास्टर्ड, सर मेरी बात सब करने चला है। साले हरामजादे, मैं तुझे हीरो बनने का चांस दिया और तू मेरे इमान पे हाथ साफ करने चला है। सर ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलतफहमी हो रही है सर। गलतफहमी मुझे नहीं तुझे हो रही है। तू क्या समझता है मेरी पीठ पे छुरा पकड़ तू इस इंडस्ट्री में रह सकता है? साले तू जानता नहीं है मेरे कॉन्ट्रैक्ट कहाँ कहाँ है। आज के बाद ये फिल्म तो क्या तू इस इंडस्ट्री में खड़ा होने लायक नहीं रहेगा। यू आर फिनिश्ड। ऐसा मत कीजिए सर, मेरे करियर का सवाल है। साले जाता है। सर प्लीज सर, प्लीज सर समझिए। साले जाता है। गार्ड्स। सर जी भाई। हाँ छोटे, कैसा है तू? डैडी और मैं तुझे बहुत याद करते हैं। अच्छा सुन, हमारी मुंह भली बहन मुंशी जी की बेटी की शादी साहब बहुत धूमधाम से कर रहे हैं और तुझे आना है, समझ गया? तेरे बिना रौनक बहुत फीकी हो जाएगी। ओके भाई। साहब, बेटी ने नादानी से बांग्लादेशी से मोहब्बत कर ली है। मैंने बहुत समझाया, आज नहीं तो कल पुलिस उस लड़के को पकड़ के बांग्लादेश वापस भेज देगी, तो मेरी बेटी का क्या हो? साहब वो जान देने की बात करती है। साहब उसे समझाइए, नहीं तो मर जाएगी। जवानी का दोष नहीं है रहमान भाई, मोहब्बत में इंसान कुछ भी दिखाई नहीं देता। साहब आपसे गुजारिश है, आप कुछ कीजिए। मैं बड़ी उम्मीदों से आपके पास आया। ये काम सिर्फ उसे हिंदुस्तान की शहरी बना के जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, मैं आपका ये एहसान जिंदगी पर नहीं भूल। शुक्रिया।
अब बच्चों के रोना नहीं करना। हाँ क्या हुआ सब? अरे क्या हुआ सब, चली क्यों गई? वैसे क्या कह रही थी आपकी फ्रेंड्स? They were just saying that your boyfriend's too hot. वैसे कुछ चीजें कहने की नहीं, महसूस करने की होती। सजा है ये मंडप, सजा है बजा है नगाड़ा, बजा है सजा है ये मंडप, सजा है बजा है नगाड़ा, बजा है
क्या बात है भाई? मैं देख रहा हूं तू जब से यहां है इस बार कुछ परेशान सा लग रहा है। आप ठीक कह रहे भाई, जो पिक्चर कर रहा था उसके प्रोड्यूसर ने मुझे पिक्चर से निकाल दिया। इतनी सी प्रॉब्लम को लेकर परेशान है? मेरी बात करवा प्रोड्यूसर से, वापस ले लेगा तुझे फिल्म में। मैं उसे एक ऐसा ऑफर दूंगा कि वो रिफ्यूज नहीं कर पाएगा। बात करवा मेरी। भाई आप समझ नहीं रहे हो, वो बहुत पावरफुल इंसान है। मिनिस्टर हरपाल यादव के साथ उसके कनेक्शंस हैं। उसने मुझे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। अच्छा, तुझे धक्के देकर फिल्म से निकाला? तो देख, अब तो वो तुझसे माफी मांगेगा उसी जगह पर जहां से उसने तुझे धक्के देकर फिल्म से निकाला। तू देख अब तेरा भाई तेरे लिए क्या करता है। मुझे जोहर साहब से मिलना है। सर अभी बिजी है, जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स। सूरज रिश्ते आए हैं, एक नजर सर देख लो। आप भी देख लीजिए ना। कौन जीता कौन हारा? मैं कमिन जौहर साहब। जौहर साहब, मैं अपने साहब की तरफ से आपके लिए दोस्ती का पैगाम लेकर आया हूं। तुम्हारा साहब हमारे लिए क्या कर सकता है? बहुत कुछ। अब देखिए, आजकल वर्कर्स फेडरेशन बहुत ताकतवर हो गए हैं। साहब आपको फेडरेशन के टॉर्चर से बचा सकते हैं। तुम मुझे धमका रहे हो? बिल्कुल नहीं। तो तुम्हारा साहब हमारे लिए और क्या कर सकता है? आपकी फिल्मों में पैसा लगा सकते हैं।
हमारी फिल्मों का बजट करोड़ों में है। साहब का साथ देने वाले बहुत सारे लोग हैं, आप जितना पैसा चाहेंगे इंतजाम हो जाएगा। इंटरेस्ट का रेट क्या होगा? कुछ नहीं। कुछ नहीं? अच्छा, तुम्हारे साहब के इस एहसान के बदले में हमें क्या करना होगा? विजय बाबा को दोबारा अपनी फिल्म में हीरो लेना होगा। साले हरामखोर, ध्यान से सुन ले, तुम्हारे इस विजय से मैं नफरत करता हूँ, मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। आप शायद जानते नहीं, विजय बाबा साहब के बेटे हैं, कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। बिल बढ़िया चल रही है। हाँ, सब बढ़िया चल रही है, बस हैं। हेलो, हरपाल यादव साहब। अरे हाँ जोर साहब, सब बढ़िया चल रहा है ना? हिट फोर शूटिंग वूटिंग ठीक चल रही है। आप कैसे गृह राज्य मंत्री है? आपके राज्य में अंडरवर्ल्ड की मनमानी चल रही है। पहले तो ये फोन पर धमकी देते थे, अब सामने बैठ के धमकी दे रहे हैं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, अब आप ही समझाइए इन्हें। लीजिए बात कीजिए, ये लो बात करो मंत्री जी से। जी हाँ, मैं गृह राज्य मंत्री हरपाल यादव बोल रहा हूँ भाई। कौन बोल रहा है हरान? कौन है तू भाई? जौहर साहब को धमकी देता है, समझते नहीं तुम? राजनीतिक पावर जानते हो तुम हमारी क्या है? टांगे कटवा दूंगा हराम जा टांगे, जौहर साहब को आइंदा अगर धमकी दी तो। जी जी जनाब, जी यादव साहब जी। हाँ, वो मान नहीं रहा है। जोहर साहब, क्या मैं पानी पी सकता हूँ? मैं माफी चाहता हूं कि मैं अपने साहब का पैगाम आप तक ठीक से नहीं पहुंचा सका। आप टीवी देख रहे थे? प्लीज कैरी ऑन, मैं चलता हूं। सर मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं साहब की ताकत को ठीक से पहचान नहीं पाया सर। अरे रे 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 रे, जौहर साहब कैसी बात कर रहे हैं? बेहतर होगा आप ये खुशखबरी खुद बाबा को दें। जी वकील साहब। गेस व्हाट, अ प्लेजेंट सरप्राइज फॉर यू। बाबा, जौहर साहब बात करना चाहते हैं। दीजिए। बाबा बाबा, तू तो मेरा बच्चा है रे। पिक्चर तेरी है, सेट तेरा है, तू जल्दी से वापस आ जा, बस सब तेरी राह देख रहे हैं। किसका फोन है? जोहर साहब का, मुझे शूटिंग पे बुला रहे हैं। इधर दे। हेलो। जी सर। हाँ, भार्गव को फोन दे। अच्छा। हाँ हेलो। हाँ भार्गव जी, माल्या बहुत दिन से साहब से मीटिंग जा रहा है, उसे टाइम दे दे। साहब, मैंने अपनी बेटी को ऊंची तालीम दी, जिस कॉलेज में वो पढ़ती थी उसकी जान पहचान एक लड़के से हो गई जो नेता का बेटा है। उसने मेरी बेटी की इज्जत लूटने की कोशिश की, कामयाब नहीं हुआ तो उसे बेदर्दी से मारा। साहब, मेरी बेटी का जबड़ा टूट गया,
वो हमेशा के लिए बदसूरत हो गई। एक अच्छे शहरी की तरह मैं पुलिस के पास गया, लड़का पकड़ा भी गया, मुकदमा भी चला, लेकिन सबूत की कमी का बहाना लगाकर जज ने उसे छोड़ दिया। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने वाला आजाद घूम रहा है। मेरे साथ बेइंसाफी हुई है, मैं आपके पास इंसाफ के लिए आया हूं साहब। पहले तुम पुलिस के पास क्यों गए? मेरे पास क्यों है? साहब, I want him to be killed. ये नहीं हो सकता है। मुझे लगता है तुम भुखला गए। साहब, आप जितने पैसे कहें मैं देने के लिए तैयार हूं। आलिया, हमें एक दूसरे को बरसों से, अगर तुमने मुझे कभी अपने घर पर चाय की भी नहीं बताया, तो पहले मुझसे कभी मदद भी नहीं मांगी। साहब, मैं किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। झूठ मत बोलो सेठ, पैसे का बात घमंड था। ऐ तुम्हें जन्नत की तरह लगता, तुमने कभी दोस्त बनाने की नहीं सोची। तुम्हें लगता था मुसीबत में तुम्हारा पैसा ही तुम्हें बचा। आज जब तुम नेताओं की ताकत के सामने हार गए हो, तब तुम्हें मेरी याद आई है। मेरी याद आई तुम्हें। साहब, मैं एक अच्छा शहरी बन के रहना चाहता था। फिर तो तुम्हें कानून से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। जज ने फैसला कर दिया, उसे कबूल करो और अपनी बेटी के पास फूलों का थाल सजा कर लेकर जाओ। अरे बॉबी, देखो जरा।
तू ही वो हरामजादा है ना जिसने माल्या की बेटी का रेप किया। पर अदालत ने मुझे बाइज्जत बरी किया है। बेकाऊ अदालत ने तो तुझे बरी कर दिया, लेकिन साहिब के इंसाफ से तुझे कौन बरी करेगा? ठीक है, मैं पहुंचता हूं। बाबा मुझे जाना पड़ेगा, सी यू लेटर। ले भाई, तू भी हाथ साफ कर ले। नहीं भाई, ये मेरा काम नहीं है, आप भी इसे छोड़ दीजिए। आधा डाल ले भाई, आधा डाल ले, चल चलो। साहब की जय हो। पॉलिटिक्स ठीक चल रही है साहब? जब आपका हाथ हमारे सर पर है तो काम तो अच्छा ही चलेगा। सब अच्छा है साहब। ये सुल्तान भाई है। इनको आपकी मदद की जरूरत है। काम बहुत बड़े फायदे का है। साहब, हम हिंदुस्तान बहुत ही खास काम से आए हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि हिंदुस्तान के हर शहर में आपके आदमी फैले हुए हैं। सरकार में भी आपकी अच्छी पकड़ है।
हम तो सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहते हैं। और बदले में जितनी रकम आप चाहें अदा कर दी जाएगी। पाटिल परिवार तुम्हारे साथ आया है। पाटिल साहब हमारे बहुत ही करीब दोस्त हैं। इनकी बात टालना नामुमकिन है। मगर अफसोस कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। साहब आपने तो काम सुने बिना ही मना कर दिया। देखिए साहब, आपने अपना जवाब हमारा काम क्या है ये जानने के बाद दिया होता तो काम होने के बाद फायदे के बारे में सोच सकते थे। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, सभी शहरों में IIT और तमाम शिक्षा के ऊंचे संस्थान रात 7:55 पर आके बॉम्ब फूटेंगे। बच्चों की लाशें, खूनों की नदियां बहेंगी, इधर उधर भागते लोग। साहब बादाम खाया कीजिए। बादाम खाने से दिमाग दुरुस्त रहता है। Shut up! तेरा दिमाग और तेरा मुंह बहुत ज्यादा चलते हैं। कमाल है साहब, बादाम पिस्ता हम खाते हैं और गुस्सा आपके साहबजादे को आता है और बहुत जल्द आता है। कोई बात नहीं साहब, बच्चे हैं, जवान खून है, हो जाता है। साहब आपने हमारी बात का सम्मान रखकर हमें इतना समय दिया, हमें इतनी इज्जत दी, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट पाटिल साहब, अगर हमारा काम साहब नहीं करेंगे तो हम अपना काम किसी और से करवा लेंगे। हिंदुस्तान में काम करने वालों की कमी नहीं है। चलता हूं साहब, खुदा हाफिज। सुल्तान, इस काम में ना तो हम तुम्हारा साथ देंगे और ना हम तो हिंदुस्तान में
साहब, सारी जवानी ट्रक चलाता रहा, अब पैरों में दर्द रहने लगा है, ट्रक नहीं चलता, घर का खर्चा चलना भी मुश्किल हो गया है, खाने की रोटी को लाले पड़ गए। घर वाली कहती है कि कहीं मोटर पार्ट्स की दुकान डालकर बैठ जाओ तो बुढ़ापे में जिंदगी इज्जत से कट जाएगी। करतार, तो अच्छा ख्याल है, तो मेरे यार परेशानी क्या है? साहब, मोटर पार्ट्स का काम शुरू करने के लिए 4 लाख की जरूरत है। मैं बैंक के पास मांगने गया था, उन्होंने पैसों के लिए गारंटी मांगी, मेरे पास तो है नहीं। गारंटी, बैंक लोन, करतार ये तो बहुत झंझट का काम है। तुम बुढ़ापे में ये सब कहाँ करते हो? करतार चिंता मत करो, डोंट वरी, इनका काम कर दो। ओके सर। और सेन शक्ति यहाँ भेजो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, रब रखा। सोच के भी खोपड़ी खराब हो रही है। साहब को हमारे प्लान का पता कैसे चला? इस बात पर दिमाग खराब करने के बजाय ये सोचो कि ये काम नहीं हुआ तो बाहर बैठे मैं अपने आकाओं को क्या जवाब दूंगा? सुल्तान मियां, शांत रहिए। देखिए, गर्मी खाने से कुछ नहीं होता। मैं साहब को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। अगर एक बार उन्होंने ना कह दिया तो उसका मतलब है ना। मुझे बड़ा अफसोस है कि अब आप ये काम किसी भी कीमत पर नहीं कर पाएंगे। क्या बात कर रहे हैं आप मंत्री जी? क्या आप जानते हैं कि आपके बेटों ने मुझसे करोड़ों रुपए लिए हैं ये काम करने के लिए? अगर ये काम नहीं हुआ तो हम सब के सब मारे जाएंगे। करोड़ों रुपए किसने लिए? डैडी, मैं आपको बताने ही वाला था कि क्या बताने वाले थे? उल्लू के पट्ठो, तुम्हें ये पता है कि तुम्हारी ये गलती तुम्हें कितनी बड़ी मुसीबत में डाल सकती है? बात की जड़ साहब है, साहब को उड़ा दो, मुसीबत खत्म। बच्चों जैसी बातें मत करो, तुम लोग पहले इतनी बड़ी गलती कर चुके हो। साहब को मारने के बारे में सोचकर दूसरी गलती मत करो, और ये गलती नहीं बल्कि हम सबके लिए आत्महत्या करने के बराबर होगा। मंत्री जी, बच्चों जैसी बातें आप कर रहे हैं। आपके बेटों ने हमसे पैसे लिए, करोड़ों रुपए। अब या तो ये काम करेंगे या मरेंगे। चिंता क्या कर रहे हैं मंत्री जी, आप इशारा कीजिए, साहब को उड़ा दिया जाएगा। नहीं उदयवीर सिंह, नहीं, सिर्फ साहब को मारने से कुछ नहीं होगा, साहब के साथ साथ शक्ति को भी मरना होगा।
क्योंकि जब तक शक्ति जिंदा है तब तक साहब की रियासत का अंत नहीं होगा। सब कुछ खत्म हो जाएगा मंत्री जी, सब कुछ। सिर्फ आप हमारा साथ दें, उस साहब को हम अपने हाथों से मसल देंगे, अपने हाथों से। सुल्तान मियां, ये काम ताकत से नहीं बल्कि राजनीति से होगा। साहब का अंत होगा, जरूर होगा, और उनका अंत होगा राजनीति से। ठीक है सब, अफजल का पता चल गया है, बलराम ने उसे घेर रखा है। बलराम से कहो कि हम पहुंच रहे हैं। हमारे पहुंचने से पहले उसे कुछ नहीं होना चाहिए। क्या कह रहे हैं आप डैड? आप खुद वहां जाएंगे? आपका वहां जाना ठीक रहेगा साहब? हमारे मनने के बावजूद उसने ये जुर्रत की। पुलिस और नेताओं को खरीद कर वो समझता है कि हमसे बगावत कर सकता है। शायद भूल गया है, शायद कि जहां पुलिस और सरकार का राज खत्म होता है। हाँ, हमारा राज शुरू होता है। वेल सर साहब, हमारा शहर एक जंगल ही तो है। भार्गव, ख्याल रखना। और सुनो, ऑन हिम। जान, ये पुलिस वाले मुझे क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस स्टेशन लेकर आ गए हैं। मुझसे अजीब अजीब से सवाल कर रहे हैं। प्लीज डू समथिंग, मदद करो मेरी। फोन दो सीनियर को। सर,
बोल। मैं शक्ति बोल रहा हूँ, साहब का बेटा। अरे क्यों बंद कर रखा है उस लड़की को, जाने दो उसे। हरामजादे, तू क्या यहाँ का कमिश्नर है? साले जो भी बात करनी है थाने में आके बात कर। ओ इंस्पेक्टर। हरामजादा साला। ले डॉक्टर। साहब की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। There is nothing more that we can do to save him. क्या? क्या कहा डॉक्टर? क्या कहा तूने? What do you mean there is nothing more you can do to save my dad? अंदर जा और अपना काम कर, नहीं तो सारे हॉस्पिटल को आग लगा दूंगा। बाबा, क्या क्या बाबा, कंट्रोल करो बाबा, बाबा। I'm so sorry. I'm so sorry. हाँ रेखा। Please मेरी मदद करो, do something. Shit. क्या बात है, किसका फोन था? वो इंस्पेक्टर रेखा को परेशान कर रहा है। ओह माय गॉड। शक्ति बाबा, आप पुलिस स्टेशन जाकर रेखा जी को छुड़ाइए, तब तक मैं यहां संभालता हूं। लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, ये वक्त बर्बाद मत कीजिए। मैं हूं यहां पे, मैं संभाल रहा हूं यहां पे। वी आर ऑल हियर बाबा, डोंट वरी। ओके। कौन है वो हरामजादा इंस्पेक्टर जिसे शक्ति की ताकत का अंदाजा नहीं है? निकल यहां से बदतमीज। तू हरामजादे। बहुत घमंड है तुझे, मगर कानून अच्छे अच्छे सुरमाओं का घमंड चकनाचूर कर देता है। अबे ओ ठुल्ले, अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, लेकिन मैं वो शेर हूं जो तेरे जैसे कुत्ते को उसी की गली में घुसकर मारूंगा। हरामजादे, तू शेर है कुत्ता? ये तो मेरे हाथों कुत्ते की मौत मरने के बाद ही तुझे पता चलेगा। कुत्ते! विजय साहेब और अपने भाई शक्ति के शव लेने आया हूं। मैं तो समझता था साहेब का पूरा परिवार खत्म हो चुका है, शक्ति के बाद उनका कोई वारिस नहीं। आपकी जानकारी गलत है, मैं उनका वारिस हूं। साहेब का सबसे छोटा बेटा विजय, विजय राजेश खन्ना। शक्ति ने थाने में घुसकर मेरी हत्या का प्रयास किया था। साले का एनकाउंटर कर दिया मैंने। अगर तू उसका वारिस है बहुत बड़े झमेले में फंसेगा तू। अरे सरकार, आप गलत समझ रहे हैं, ये तो फिल्मी कलाकार हैं, इनका इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है। ये सब बातें बाद में भी हो सकती है, अगर फॉर्मेलिटीज जल्दी करे तो। तुझे क्या लगता है मैं बकवास कर रहा हूँ? अगर अंदर कर दिया ना, दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा, समझा? अरे उसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, विजय बाबा कभी किसी लड़ाई झगड़े में पड़ते नहीं है। आप निश्चिंत रहिए, मैं गारंटी लेता हूं। मैं तू क्या गारंटी लेगा इसे तो। मैंने कहा था ना, इस दुनिया के नहीं है। वाकई एक थप्पड़ में ये हालत है साहब के वारिस। 24 घंटे देता हूं तुझे, अपने परिवार का संस्कार कर और अपनी दुनिया में वापस चला जा। या? बड़ी दे।
तू देख अब तेरा भाई तेरे लिए क्या। आदत डाल ले भाई, आदत डाल ले, आदत डाल ले, आदत डाल ले। बाबा, बाबा संभालो अपने आप को, अभी बहुत कुछ करना है। मैं इनके अंतिम संस्कार की तैयारी करता हूँ। जरूरी है कि आप यहाँ से कहीं सुरक्षित जगह जा सकें। संभालिए बाबा, आपको कहीं दूर जाना है यहां से। मैं शहर को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। साहेब और भाई का अंतिम संस्कार उनके दुश्मनों के मरने के बाद ही होगा। ये कोई फिल्म नहीं है, यहां कदम कदम पर मौत है। और इस परिवार का शुभ चिंतक होने के नाते मैं चाहता हूं कि तुम्हारी जान सही सलामत रहे, और ये तभी मुमकिन है जब तुम यहां से कहीं दूर चले जाओ। इस शहर पे हमारा राज है बाबा, इस शहर की राज की बात कर रहे तू? अच्छा, तो ये सारी साजिश तेरी रची हुई है साहब की रियासत का वारिस बनने की खातिर। बिल्कुल सही कह रहे हो। एक पुरानी कहावत है कि कुछ कुत्ते ऐसे भी हैं जो पीछे से घेर के शेर का शिकार कर लेते हैं। मगर वो कुत्ते बोल जाते हैं कि वो कुत्ते की मौत मरेंगे। तेरी
मेरी गली में मच गया शोर। Let's get up and we're stomping, through the night you be romping, grooving and you be groping. Let's get up and go, go. जुल्मी ने पकड़ी जो मेरी कलाई, हमें शर्माई मेरी जुल्फे उसने खोल दी, मेरी चूड़ियां उसने तोड़ दी, मैं हाय हाय करती रह गई। oh yeah. गया शोर।
विजय, आज वक्त की कमान तेरे हाथ है। मारना चाहता है तो मार, लेकिन मेरे मरने से यह मिशन खत्म नहीं होगा। एक सुल्तान मरेगा, हजार जिंदा होंगे, और मैं उन सबको मार दूंगा। मार! विजय, तेरी इतनी हिम्मत के तूने मेरे बेटे पर हाथ उठाया, ढूंढ दो सारे को। यादरथ, तेरे खानदान को तो खत्म कर चुका हूं, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो तू भी नहीं बचेगा। ठीक कहता है तू, कोई भी नहीं बचेगा, सबसे पहले तेरा बेटा जाएगा। देख लीजिए, मेरे बेटे को छोड़ दे, तू जो कहेगा मैं करने को तैयार हूं। अपने आप को गोली मार दे, शायद तेरे बच्चे को बख्श दूं। इस बात की क्या गारंटी है कि अगर मैं अपने आप को गोली मार लूं तो तू मेरे बेटे को छोड़ देगा? तेरी मौत देखकर शायद मुझे तय आ जाए और मैं छोड़ दूं इसे।
ये शर्त है कि मेरी मौत से मेरे बेटे को जिंदगी मिल सकती है तो मुझे मंजूर है। तो मालूम है आजकल पिक्चर बनाना कितना मुश्किल हो गया है। आए दिन वर्कर यूनियन और अंडरवर्ल्ड परेशान कर रहे हैं। मेहरबानी कीजिए साहब, साहब मेरे कैरियर का सवाल है। आज से तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा साहब, आपकी बड़ी कृपा है।